हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, क्योंकि जो है आजकल सितारों की फाइट खुलकर होने लगी है। पहले तो जो है भाई सिर्फ न्यूज़ आती थी कि जो है उनकी फाइट ऐसे हो गई। अब जो है सोशल मीडिया में उतर कर एक दूसरे के बारे में अगर कोई बोलने लगे तो आप समझ सकते हैं, रिश्ते नहीं, अब तो जंग का मैदान हो गया है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना था आदिल और राखी के झगड़े, उसके बीच में सरलीन जो है जो भी है कि किसकी तरफ है, कभी आदिल की तरफ पहुंच जाती है तो कभी जो है राखी की। अब राखी ने जो है भाई मुस्लिम धर्म अपना लिया है क्योंकि निगाह किया है, इसलिए सुर्खियों में छाई हुई थी। ऐसे में आज जो है राखी की एक जो कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया में उन्होंने किया वो सारी हदों को पार किया हुआ है कि अपने आप को इंसान सही बताने के लिए हर हदें पार करेगा, या सोशल मीडिया का कैमरा अपनी तरफ खींचने के लिए, सिंपत्ति करने के लिए हर चीज़ करेगा। पहले तो लगा था कि वाकई ही ये बिग बॉस में आने के लिए सोशल मीडिया में इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे में जो है अर्चना गौतम से पूछा गया था कि आप राखी और जो है आदिल के रिश्ते के बीच में क्या देखा और आप क्या कहेंगी। ऐसे में उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, और पता नहीं क्यों इतने ड्रामे करते हैं और शादी को क्यों ड्रामा बनाया हुआ है। जब भी बिग बॉस करीब आता है ये सोशल मीडिया में इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, मेरी तो यही समझ में नहीं आता, ये अपने रिश्ते को इस तरह क्यों करते हैं। उनकी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आई थी, जहाँ पे लगा था कि वाकई। लेकिन आज राखी सावंत का जो मैंने क्लिप देखी वो लगा कि वो सोशल मीडिया में मीडिया का कैमरा पाने के लिए हर हदें पार कर सकती हैं, फिर वो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे में वो हर स्टार होता है कि सोशल मीडिया का कैमरा जब उनके सामने से हटता है तो वो एक हर हद पार करने को तैयार होते हैं, फिर वो चॉइस सही हो या गलत हो। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले जो आपको राखी के ये नज़ारे नज़र आए, आदिल के नज़ारे नज़र आए, उसी के बीच में जो है अर्चना ने जो है सोशल मीडिया में बताया कि ये सब क्यों हो रहा है। उसी के बीच में अर्चना का बर्थडे था, जहाँ पे सभी सितारे लगभग उनके बर्थडे का हिस्सा बने। ऐसे में जो है उसी के बाद जो है अचानक से प्रियंका और अर्चना के झगड़े की जो है चिंगारी सी सुनाई दी। चिंगारी सुनी नहीं कि मीडिया अपने आप जो है एक से एक कहानी, और फैंस उसमें नमक मसाला लगाकर इधर से उधर कमेंट करने लगे। अब जो है न्यूज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि न्यूज़ निकल कर आई कि दोनों में जो है कोल्ड वार हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे में जब होता, आजकल सोशल मीडिया ही है कि बता सकता है कि किससे किसके कैसे रिश्ते हैं। ये मोबाइल जो है आजकल रिश्तों के लिए ही बना है, ताकि मोबाइल आपके पास है तो रिश्ते आपके पास है, आपका मोबाइल आपसे दूर हो जाता है तो समझो आपके रिश्ते आपसे दूर हो गए हैं। आजकल मोबाइल ही रिश्ते हो गए हैं ना, इसीलिए। ऐसे में जो है अर्चना और प्रियंका की न्यूज़ वायरल हो रही है कि दोनों की एक दूसरे की फाइट हो गई है। ये न्यूज़ वायरल ही हो रही थी कि उसके बीच में अंकित का रिएक्शन आ गया, अंकित गुप्ता जो कि प्रियंका चौधरी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और काफ़ी बार इनकी ह्यूमर भी चली है कि एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, और इन्होंने सुपर हिट शो उड़ारियन जैसे शो में काम भी किया है या उड़ारियन को सुपर हिट भी बनाया है। ऐसे में दोनों बिग बॉस में भी नज़र आए, ऐसे में जो है म्यूज़िक वीडियो भी नज़र आई, और फ्री टाइम में दोनों एक साथ भी जो है कहीं ना कहीं वेकेशन पर नज़र आते हैं। ऐसे में अंकित ने कहा कि प्रियंका दिल की साफ है, प्रियंका के जो मन में होता है ना वो बोल देती है। जैसे प्रियंका ने बोला ही है कि अर्चना जो है बच्ची है, अर्चना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है, अर्चना को अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो रोने लगती है, अर्चना छोटी है और जिद्दी है, ये वर्ड जो है अंकित ने कहा, और जो है कहा प्रियंका के जो मन में था प्रियंका ने बोला। ऐसे में अगर अर्चना जो है भाई बिग बॉस में ये बातें कहती हैं तो ठीक है, बिग बॉस में आप एक घुल मिल गए हैं, आप कुछ भी वहाँ पे बोल सकते हैं, या बाहर भी आप आकर बोल सकते हैं जब आपके रिश्ते इतने अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है अभी अर्चना की तरफ से रिएक्शन क्या होगा पता नहीं। इस मैसेज से अंकित जी सोशल मीडिया में छा गए कि अंकित गुप्ता रिएक्ट टू कोल्ड वार में ऐसे बोले प्रियंका और जो है आपकी अर्चना के बारे में। ऐसे में
अंकित ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं। अभी अर्चना थी, उससे पहले प्रियंका थी, राखी, और ये तो जो सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, लड़ाई की असली वजह क्या है, कहाँ से असली वजह शुरू हुई? क्या बिग बॉस के घर से हुई कि ये दोनों जो है टॉप फाइव में गए थे, लेकिन विनर तो कोई नहीं हुआ इनमें से? जो टॉप फाइव में या टॉप थ्री में या टॉप में जो पहुँचे बिग बॉस के फिनाले में, तो ऐसे में तो जो है क्या इस चीज़ से जो जेलेसी शुरू हुई, या वजह कुछ और ही है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनते हैं।